स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद को सुंदर बनाने के लिए कार्यों की समीक्षा की गई है। जो काम ढीले हो गई हैं उसे कैसे पूरा किया जा सके, इस पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के 90% काम पूरे हो चुके हैं, जो 10% बचे हैं उन्हें भी समय पर पूरा करने के लिए कहा गया है। स्मार्ट सिटी के तहत जो काम फरीदाबाद की सुंदरता के लिए चल रहे हैं उन कामों की एक समीक्षा बैठक, क्योंकि आजकल डी साहब को सीईओ स्मार्ट सिटी का भी चार्ज है, तो संबंधित अधिकारी जो देखते हैं, क्योंकि कुछ काम डिले हुए हैं वो काम और तेजी से पकड़ें, तो उसके लिए आज बैठक की है। उस सब कामों की समीक्षा की है कि जल्दी से वो सारे काम पूरे हो जाएं, आज उसी निमित्त बैठक। विकास कार्यों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आगामी? निश्चित तौर पर काम में स्पीड तो आएगी, क्योंकि अब समय भी बहुत हो गया है, तो अब 90% काम पूरे हो गए हैं, जो 10% है वो समय पे हो जाएं, इसके लिए आज। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इनेलो की परिवर्तन यात्रा पर कहा है कि यात्रा करना सबका अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसे सत्ता में रखना है और किसे नहीं। देश की और प्रदेश की जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। कोई भी यात्रा करे उसमें कौन रहता है, लोकतंत्र है और हम तो लोकतंत्र पे चलने वाली पार्टी के लोग हैं। 2024 में उनकी सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो लोग तय करेंगे किसकी बनेगी, कि मेरे कहने से उनके कहने से कुछ नहीं होना। ये देश और प्रदेश के लोग तय करेंगे किसकी सरकार बनेगी और किसको सरकार में बनाए रखना है, ये लोग तय।